को बाकी के इसमें जो जाति व्यवस्था बनी पड़ी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरी स्टडी करके बुद्धिज्म की ओर गए थे, क्योंकि बुद्धिज्म में ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई जाति नहीं है, सब मानव एक समान है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। और इसलिए आप हिंदू धर्म में रह के जाति को नहीं निकाल सकते, हिंदू धर्म जाति की वजह से ही हिंदू धर्म जिंदा है। तो जाति जिस तरह से हम लोगों को बाहर निकालना है तो हम लोगों को बुद्धिज्म की ओर आना चाहिए। बुद्धिज्म हम लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल कराना सिखाता है, तर्क का इस्तेमाल कराना सिखाता है। और ब्राह्मण नहीं चाहता कि देश के लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वो हमेशा हमारे भारत के लोगों का दिमाग उन्होंने काबिज करके रखा हुआ है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा एक लाइन कहा करते थे कि लिबरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, कि आपके दिमाग को मुक्त करवाना है ब्राह्मण धर्म से। और इसलिए उसका एक ही मार्ग हो सकता है, वो है बौद्ध धर्म। देखो बौद्ध धर्म को अगर हम लोगों ने सही उसकी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये कोशिश थी कि कौन सा बुद्धिज्म लाना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में अलग अलग सेक्ट बुद्धिज्म के लिए भी है, लेकिन बाबा साहब ने सोशल जस्टिस पे आधारित जो बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया है उस बुद्धिज्म को हमको भारत में लागू करना होगा। उसकी जो स्कूल्स कॉलेजेस बुद्धिस्ट सेमिनरीज जो बाबा साहब ने कही है कि ये बनाओ, तो उसके ऊपर जब तक हम काम नहीं करते तो वो बुद्धिज्म उस तरह से बाबा साहब को जिस तरह से चाहिए था वो नहीं फैलेगा। सर आप देश और विदेश में बौद्ध धर्म को भी फैलाने का काम कर रहे हैं, कितने लोगों को अब तक आप बौद्ध धर्म की दीक्षा दिला चुके हैं? देखो एक दो साल के रिकॉर्ड में ऑन पेपर हम लोगों के पास 150 मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख हम लोगों ने रजिस्टर करवाए हैं, जिनको हम लोगों ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट बांटे हुए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने 2.5 लाखों की मेंबरशिप हमारी है, ऑनलाइन मेंबरशिप भी चल रही है, उसके आंकड़े अलग है। तो मैं 2021 से पहले कम से कम हम लोग 1 करोड़ लोगों को रजिस्टर करवा सके इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या जब जनगणना होती है तो वो जो बौद्ध धर्म हम लिखवाते हैं वो से हिंदू धर्म में डालते हैं, तो क्या जब तक गजट में नहीं जाएगा हमें ये ऐसी दीक्षा दिलाने का कोई फायदा मिल पाएगा? देखो अभी क्या हो रहा है कि जो जनगणना शुरू हो चुकी है 2021 के लिए, जिनके पास बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए हुए प्रमाण पत्र नहीं है ऐसे लोगों को वो हिंदू धर्म में डालने का काम सरकार कर रही है। और इसलिए हम लोगों ने ये प्लान लेके चल रहे हैं कि 2021 तक कम से कम 1 करोड़ लोगों के घरों में ये बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट हम लोगों को पहुँचाने इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि पूरे जो बहुजन है उनको लेकर उनका जो नेता कर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक रूप से आगे आप आए नहीं? नहीं देखो राजनीतिक रूप से तो मैं आगे नहीं आने वाला, मैं कोई पार्टी नहीं बनाने वाला और ना ही कोई पार्टी का डिक्लेयर करने वाला हूँ। बाबा साहब ने जो मानव अधिकारों के लिए बाबा साहब ने जो काम किया है, बुद्धिज्म के लिए जो काम किया है, मैं चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियन हो जैन हो सिख हो रविदासी कम्युनिटी हो, इनके मानव अधिकारों की लड़ाई में आखिर तक लड़ता रहूंगा। इनके ऊपर कोई अन्याय हो अत्याचार हो तो जो प्लेटफॉर्म बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुझे हम लोगों को दिया हुआ है, वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस का हो, USCIRF का प्लेटफॉर्म हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का प्लेटफॉर्म हो, इस प्लेटफॉर्म पे हमें हर एक उस समाज की बात वहां पर रखूंगा। और बुद्धिस्टों के लिए जो वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से आज मैं 125 देश का सेक्रेटरी का पद मेरे पास है, उस माध्यम से बौद्धों की जो व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं काम करूँ। सर एक क्वेश्चन है, EBM को लेके जब आपने UNO में और अमेरिका में लेके जो प्रदर्शन किया है इसके बारे में, क्या EBM भारत में बंद हो सकती है? देखो अभी फिलहाल तो एक अच्छी जानकारी मेरे सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन के 8वें जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बान की मून, ये हमारे समर्थन में आए हैं। अच्छा। बान की मून इन्होंने खुद पूरा आर्टिकल इंडियन 2014 के इलेक्शन के ऊपर और EBM के ऊपर लिखा हुआ है। चेंज ऑर्गेनाइजेशन पे जो पिटीशन हमने बनाई थी वही पिटीशन उन्होंने पूरे यूनाइटेड नेशंस के सामने रखी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा साइन करके यूनाइटेड नेशन के सामने रखो, ऐसी बान की मून ने ये पहल की है। तो हमको एक लगता है कि हमको इसको इलेक्शन या पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, हमारे वोट का अधिकार ये मानव अधिकार का अधिकार है और ये हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, इस तरह से हमने इस केस को रखा हुआ है और इसलिए हमको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से भी हम लोगों को ये अभी यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे तो हम गए हैं लेकिन दिसंबर में हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अच्छा। जिनेवा जा रहे हैं और जिनेवा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सामने भी हम ये मुद्दा रख रहे हैं। जैसे अगर EBM बंद हो जाए, मतलब कि अगर बंद हो जाती है, क्या देश में सरकार परिवर्तन होगी? देखो सरकार तो परिवर्तित हो सकती है
लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा कि ईवीएम बैन करके भी कुछ नहीं होगा। जब तक ब्राह्मणिज्म को बैन नहीं करोगे तब तक आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठ सकता, आपका प्रेसिडेंट नहीं बैठ सकता। तो ईवीएम से सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मणिज्म से देश को है, तो ब्राह्मणिज्म को हमको बैन करना। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे दो लाइनों में? मैं जनता को यही कहना चाहूंगा कि इस गुलामी को, जो गुलाम हमारे दिमागों को बनाए रखा है, उस गुलामी से हम लोगों को बाहर आना चाहिए। आज के दिन बाबा साहब ने मानवों की गुलामी का, जो गुलामी से बाहर आने का आंदोलन था वो खड़ा किया है। इसको हमको सभी जाति धर्म के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा। मेरा आखिरी सवाल है कि बाबा साहब के बेटे का नाम राज रतन था और वही नाम आपका है, तो राज रतन तो इस देश पे क्या राज रतन का दोबारा से राज हो पाएगा? जो बाबा साहब का सपना, जो बाबा साहब का ड्रीम था एक। नहीं, मैं तो देश के ऊपर राज करने के सपने नहीं देख रहा, ना तो मैं विश्व के ऊपर राज करने के सपने देख रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने दिया हुआ मानवता का संदेश हर एक देश के सामने, जो मानवता मानते हैं उनके सामने लेकर आए। और ये मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पद हो या प्राइम मिनिस्टर पद हो या अम्बेडकर पद, नाम के आगे बहुत छोटे हैं। तो मैं ऐसे राज को नहीं चाहता, मैं अपने बहुजनों का राज इस देश में देखना चाहता हूँ। और सही मायने में हमारा बुद्धिस्टों का प्रेसिडेंट, हमारे बहुजनों के विचारधारा का प्रेसिडेंट सम्राट अशोक का राज फिर से इस देश में लाना चाहता हूँ, जहाँ पर सही मायने में भारत से सोने का धुआं निकला करता था, इस तरह का भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।